अब यार स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12 हमारे पास चल रही है। बिल्कुल इजी मेथड से मैं समझाना चाहूंगा आपको। हमारे पास यहाँ पर है कि टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ब्रदर आप क्या करिए, अगर मैं आपको एक बार के लिए रिमाइंड कराऊं, थोड़ा सा आपको याद दिलाने की कोशिश करूं, तो देखिए आपने लाइफ में जब ट्रिग्नोमेट्री सीखी थी तब सबसे पहले आपके पास ये आइडेंटिटी आई थी जो आपको अभी तक अच्छे से रटी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक आइडेंटिटी ये थी जिसको आप थोड़ा बहुत भूल चुके हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ब्रदर। और तीसरी वाली तो आपको हल्की हल्की ध्यान आ रही है, मैं लिख देता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज आपको आपके सर ने 10th क्लास से समझाना और लर्न कराना चालू कर दिया था। आज यही तीन आइडेंटिटीज हमारे यहाँ पर काम आएगी। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये सारे के सारे फॉर्मूले जो क्लास 12th में यूज होते हैं, मैं उसकी एक वीडियो बनाकर चैप्टर वाइज आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ताकि आप आसानी से उनको यूज करना और लर्न करना सीख सके। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर ब्रदर, अगर आप देखें ऐसे जो सम्स होते हैं, इनको सिंप्लीफाइड करने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए आपको एक प्लानिंग बनानी होती है। आप एक प्लानिंग बना लीजिए किस तरह से। देखिए ब्रदर, अगर मैं यहां पर टेन थीटा पुट करता हूं एक्स के प्लेस में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा जब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये सिर्फ सेक थीटा माइनस 1 बचेगा अपॉन में सेक थीटा, और सेक थीटा को आप 1 अपॉन कोस थीटा ले सकते हैं। तो आपके पास कुछ हद तक आप यहां पर टेन बनाने में सफल हो जाएंगी। अगर आप ये सोचे कि हमने ये क्यों पुट करा है, आप ये पुट कर लीजिए तब भी आंसर वही आएगा। अगर आप ये पुट कर रहे हैं तब हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो आप दोबारे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनमें से किसी को पुट कर लीजिए। बहुत ज्यादा मतलब लॉजिक मत सोचिए इसमें, इतना सोचने वाला सम नहीं है टेन इनवर्स। तो आपने ब्रदर पुट कर लिया, आपने भाइयों क्या पुट करा, मैं यहां पर लिख देता हूं, पुट आपने करा है एक्स के प्लेस में टेन थीटा। ब्रदर एक्स के प्लेस में आप टेन थीटा पुट कर रहे हैं, तो आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। यहां तक समझ में आ रहा है ब्रदर, मैंने आपको समझाया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता क्या है। आपने टेन से आपको अभी तक रिवाइज है अच्छे से, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भाइयों सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सर मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं। अब आप ये बात तो अच्छे से समझते हैं, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट चले जाना है, तो लीजिए ये चले गया, तो आपके पास क्या बचा, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ब्रदर अगर आप tan को एक बार अच्छे से दिमाग में लेके आए, तो आपके पास आपके सर ने आपको बताया था sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा, और tan थीटा आपके पास रहता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन cot थीटा भी होता है, लेकिन हम यहां पर मोस्टली ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया है tan इनवर्स, और sec थीटा को आप यहां पर क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन cos थीटा, और साइन थीटा को क्या लिख लेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बात समझ में आ रही है भाइयों। अब देखो आप 1 को यहां पर माइनस 1 अपॉन 1 ऐसे लिख लीजिए, आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो यहां पर कितना आ गया सर आपके पास, नीचे आ गया कोस थीटा, और यहां पर 1 माइनस कोस थीटा। देखिए ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है, बताने की भी जरूरत नहीं है। तो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो ब्रदर आपके पास बच गया यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अगर आपने 11th में थर्ड चैप्टर को हल्का सा भी करा है, तो आपको अभी तक याद होगा एक और आइडेंटिटी मैं यहां पर लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है। तो देखिए सर, 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। और अगर आप बात करते हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 एड कोस थीटा बाई 2। ब्रदर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये सारे जो फॉर्मूले हैं मैं एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, पूरी की पूरी दोनों बुक के मैं फॉर्मूले अपलोड कर दूंगा। तो मेरे पास ऑप्शन यहां पर आ रहा है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा के प्लेस में मैंने क्या लिख दिया है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यहां पर, और जो साइन थीटा है उसके प्लेस में मैंने यहां पर क्या रख दिया, साइन थीटा के प्लेस में मैं यहां पे रख चुका हूं 2 और साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2, ये ऑप्शन मैं यहां पर रख चुका हूं।
भाइयों, मैं आपको यहाँ पर एक काफी इंपोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आप जो ये नेट पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर रिचार्ज कराते हैं, फिर उसे चलाते हैं, कभी स्लो चलेगा कभी तेज चलेगा। मोस्टली हमने सर्वे कराया है, हमारी वीडियोस को 90% एंड्रॉइड फोन में, स्मार्टफोन में देखा जाता है। तो आप जब स्मार्टफोन रखते हैं तो एक मेमोरी कार्ड हमसे ले लीजिए, मेमोरी कार्ड को उसमें फिट करिए, और कॉस्ट भी हमने उसकी ज्यादा नहीं रखी है। आप उसे लेकर फुल कोर्स को आराम से जब मर्जी ऑफलाइन भी देख सकते हैं, सारी की सारी वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से हम अरेंज करके आपको देंगे। तो आगे देखिए, हमारे पास है यहाँ पर टेन इनवर्स। ब्रदर आप समझ चुके हैं, टू से टू कैंसिल हो चुका है, और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, देखिए भाइयों एक कैंसिल हो गया तो क्या बचा, साइन थीटा बाई टू, और साइन थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू क्या होता है भाई, सोचो 10th क्लास में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा बाई टू। और यही तो हमारी प्लानिंग थी जो हम शुरू से चल रहे थे, यही तो हम चाहते थे कि यहां पर क्या बन जाए, टेन थीटा। बन गया टेन थीटा, तो आप कह सकते हैं, या मैं आपको सिंपल और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आप इसे हटा दीजिए, कट गया यूं कह दीजिए, तो आपके पास ऑप्शन क्या रह गया, थीटा बाई टू। अब ब्रदर आपके पास थीटा बाई टू रह गया, तो थीटा क्या है आप यहां से निकाल लीजिए। देखिए मैं आपको समझाता हूं, इस तरह से टेन को आप सिंपल लैंग्वेज में सोचिए, इस साइड आ गया तो क्या हो गया ये, टेन इनवर्स एक्स। तो आप थीटा के प्लेस पे 1/2 तो आपने यहां रख लिया, और थीटा के प्लेस में आपने रख लिया टेन इनवर्स एक्स। दैट्स द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आपको ये अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा बहुत सोचिए इसके बारे में भी, क्योंकि आपको ये ऑफलाइन भी 24 घंटे जब मर्जी अवेलेबल हो सकता है। काफी सिंपल है, इसे प्राप्त करना 5 डेज के अंदर आपको इसको भेज देंगे। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।